हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हो यार? आप लोग बहुत मस्त हो मुझे ऐसा लग रहा है। और आप लोगों की पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। आप सारे लोग ज़बरदस्त ढंग से प्रैक्टिस पेपर्स दे रहे होंगे और बढ़िया आपकी स्कोर आ रहे होंगे। आपके स्कोर ऐसे आ रहे होंगे कि जैसे बस अब आपका सिलेक्शन होने ही वाला है। तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा, आप अगर ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हो तो। ओके, तो अब एक बात आप ध्यान रखना बच्चे, कि एडमिट कार्ड तो आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है यार। अब उस एडमिट कार्ड पे जो पड़ी हुई इन्फॉर्मेशंस हैं उनको आपको अपने OMR सीट पे कैसे भरना है, ये चीज़ आज आप लोग सीख लो। ओके चलो, अब देखो जैसे कि ये राज का है, तो ये राज का है और इनके इनके फादर्स नेम जो कुछ भी हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। जो मेन इन्फॉर्मेशन है बच्चा पार्टी, वो आपकी ऊपर पड़ी हुई है। ज़रा ध्यान से देखना, ज़रा ध्यान से देखना कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन से आपको मतलब। जैसे सबसे पहली चीज है आपका रोल नंबर। जैसे इनका रोल नंबर कितना है, 308-3065। ओके, दूसरी चीज यहां पे देखिए, स्टेट के सामने यहां पे 24, स्टेट कोड 24 है। डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद लग रहा है तो 03 है बच्चा पार्टी, और ब्लॉक बीकापुर लग रहा है तो 08 है। सारे लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आप पूरे ऑल इंडिया लेवल पे आप हमें सुन रहे हो, तो हो सकता है आप अलग स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आप अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हो, और जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हो उसमें आप अलग अलग ब्लॉक से भी बिलोंग कर रहे होंगे। आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स अलग हैं, तो बिल्कुल आप ये सीख लीजिए कि कैसे कैसे उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी है। तो सबसे ऊपर देखिएगा बच्चा पार्टी, यहां पे लिखा हुआ है स्टेट। क्या लिखा हुआ है, स्टेट, और स्टेट के सामने 24 लिखा हुआ है। तो ऐसे ही ये उत्तर प्रदेश का स्टेट कोड है जो है 24। ऐसे ही अलग बच्चा कोई झारखंड का होगा तो उसका अलग स्टेट होगा, है ना, स्टेट कोड होगा। अगर कोई बच्चा पंजाब का है अलग होगा, कोई बच्चा चंडीगढ़ का है अलग होगा, कोई बच्चा दिल्ली का है तो अलग होगा, कोई राजस्थान का है तो अलग होगा। बिल्कुल ऐसे ही अलग अलग स्टेट कोड होंगे। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोड भी बच्चा देखो यहाँ पे 03 लिखा हुआ है। वैसे ही आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के होंगे तो आपको अलग अलग कोड मिले होंगे। ब्लॉक के लिए भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ब्लॉक कोड इनका है 08, तो ऐसे ही आपका भी कुछ ब्लॉक कोड होगा। आप अपने एडमिट कार्ड को मिलाते रहिए मेरे साथ में। ओके, और लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बच्चा पार्टी आपको अपने OMR सीट पे वहाँ पे भरना रहेगा। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भरिएगा। वहाँ पे जो भी इनविजिलेटर्स होते हैं वो आपकी बिल्कुल मदद करते हैं। ओके, वो स्कूल के जो है टीचर्स होते हैं, या अगर जवाहर नवोदय विद्यालय से कोई टीचर वहां पे अपॉइंटेड है तो वो रहता है। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपकी बहुत बेहतरीन ढंग से मदद करते हैं। ओके, तो कोई भी हड़बड़ी में आके कोई गड़बड़ी मत कर दीजिएगा। ओके चलिए आ जाइए यहाँ पे देखिए। उसके बाद ये नीचे वाला पेज है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें वही सारी डिटेल्स भरी हुई हैं जो आपने उनमें डाली थी। ओके, अब बात आती है OMR सीट की। OMR सीट आपको बिल्कुल इसी फॉर्म में मिलेगी बच्चा पार्टी। ये है आपकी OMR सीट, बिल्कुल आप देख रहे होंगे। अब इसमें जो पहला कॉलम है अनुक्रमांक का, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए पहला कॉलम क्या है, पहला कॉलम है आपका किसका, अनुक्रमांक का। तो अनुक्रमांक में क्या डालना है, जरा इधर आओ देखो, अनुक्रमांक में इनका अनुक्रमांक कितना है, इनका अनुक्रमांक यहां पे है 308-3065, 308-3065। इनका अनुक्रमांक क्या है, 3, तो यहाँ पे 3 लिखिएगा। फिर आइए देखिए, तो इधर आइए देखिए, 3083, फिर इधर आइए 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, ऐसे ऐसे भरना है आपको, जान लीजिए। इसीलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, एक एक चीज देख के आराम से बता रहे हैं। उसके बाद 065 क्या है डियर, 0 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। अब देखो यहाँ पे आपने 3 भर दिया है, तो यहाँ 3 वाला कॉलम ही आप ब्लैक करोगे। ओके बच्चा पार्टी, यहाँ पे 0 रखे हो तो यहाँ पे 0 वाला ही फिल करोगे। यहाँ पे अगर 8 रखा है आपने तो यहाँ पे 8 वाला ही ब्लैक करोगे। यहाँ पे आप 3 वाला ब्लैक करोगे, यहाँ पे 0 वाला ब्लैक करोगे, और यहाँ पे आप 5 वाला ब्लैक करोगे, और यहाँ पे आप फिर से क्या 5 वाला ब्लैक करोगे। ओके तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, इस तरीके से आपका अनुक्रमांक जो है आपका रोल नंबर सेट हो गया। अब जरा देखिए, यही अनुक्रमांक आपको यहाँ बगल में भी फिल करना रहेगा। क्या मान लीजिए 3 0 8, ओके, फिर 3 0
6 5, और इसके नीचे यही चीज़ आप यहाँ पे भी बबल कर दीजिएगा, यहाँ पे भी आप वही चीज़ बबल कर दीजिएगा। और बबल करते समय याद रखिएगा आपकी जो पेन हो बच्चा पार्टी, वो पेन आपकी बाहर ना जाने पाए, बाहर निकल नहीं नहीं चाहिए, नहीं तो वो चीज़ें ओवरराइटिंग हो जाती हैं और हमारा क्या होता है, OMR रिजेक्ट हो जाता है और हमारी कॉपियाँ चेक नहीं होती हैं। तो इसलिए ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ओके। तो बिल्कुल कहीं भी ओवरराइटिंग नहीं करनी है, कहीं भी आपका पेन जो है बाहर ना निकलने पाए, ओके। मैं तो इस पे टेबलेट पे कर रहा हूँ, तो हो सकता है मुझसे थोड़ा सा गलती हो जाए, लेकिन आपको गलती नहीं करना बच्चा पार्टी, ओके। और ये देखिए यहाँ पे है मेन बुकलेट नंबर, ये बुकलेट नंबर आपको वहीं मिल जाएगा, ओके। मान लीजिए आपका बुकलेट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 आता है, तो आपको वही चीज़ें यहाँ पर फिलअप करनी रहेगी कि 1 यहाँ पे, फिर उसके बाद 2 यहाँ पे, ऐसे ऐसे, ओके। अब देखिए मेन चीज़ है स्टेट। अब जैसे स्टेट इसमें क्या दिया गया था, इनका स्टेट क्या है, इनका स्टेट है 24 और डिस्ट्रिक्ट 03 और सेंटर 01, तो यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन आप डाल दीजिए, स्टेट में क्या है 24, ओके, डिस्ट्रिक्ट में 03 और उसके बाद सेंटर इनका 01 है और ब्लॉक में इनका जो है, डियर स्टूडेंट जरा देखिएगा ब्लॉक आपका कहाँ है, ब्लॉक यहाँ पे है 08, ओके। तो ऐसे ही आप ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस ऐसे ही भरिएगा, ओके। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है और ये बुकलेट नंबर आपको वहीं मिल जाएगा, वो आपको इन्विजिलेटर आपको बताएंगे या आपको जो बुकलेट नंबर आपको मिलेगा उसमें वो नंबर पड़ा रहेगा, ओके डियर। तो ये चीज़ आप वहाँ पे बिल्कुल ध्यान से भरिएगा, ओके। और यूज़ क्या करना है, आपको जेल पेन बिल्कुल नहीं यूज करना है बच्चा पार्टी, आप बिल्कुल ब्लैक बॉल पेन लेकर जाओ। ब्लैक इसलिए क्योंकि जब OMR रीडर जो होता है वो ब्लैक पेन या ब्लैक इंक को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एब्जॉर्ब करता है, ओके। तो इस तरीके से, और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको साइन करना रहेगा। सपोज करिए कि आपका नाम राज है, तो आप ऐसे ही राज ऐसे साइन कर दीजिएगा, ओके। तो बिल्कुल आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बच्चा पार्टी, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई हैं कि कैसे आपको OMR फिल करना है, बिल्कुल ये बातें आप ध्यान रखिएगा। वैसे भी अगर आप देसी कक्षा के स्टूडेंट हो या नवोदय एकेडमी के स्टूडेंट हो, तो बच्चा पार्टी मुझे ऐसा लगता है कि आप अब तक 25 से 26 टेस्ट दे चुके हो और आपको ये सारी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो जितने भी बच्चे आसपास के हों, अगर वो सेंटर पे आ सके तो बिल्कुल आप आइए यार, अभी भी 8 से 10 टेस्ट आपका बाकी है, वो प्रैक्टिस टेस्ट आपका हो जाएगा, ये टेस्ट सीरीज चल रही है, बिल्कुल आप उसमें इनरोल करिए, अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितना स्कोर आपका आ रहा है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, ओके। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन आप सारे जनों को देना चाह रहा था कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, और बिल्कुल आप जहाँ कहीं भी हैं जबरदस्त लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस पेपर्स देते रहिए, जिससे कि हम लोग अब की बार नवोदय को बिल्कुल फोड़ के आए, ओके। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चा पार्टी, लव यू ऑल, बाय बाय।